अगर फोम वाला ये टेबल बनाना हो ड्रेसिंग टेबल के नीचे का ये टेबल, तो इसको सबसे पहले देखिए ये जो इसका ये पाया है ये 45 सेंटी इसका पूरा हाइट होगा, इसलिए इसको हम ये 43 सेंटी बनाए हैं। इसका पाया जो है हाइट ये 43 सेंटी है। इसके बाद ये 2 सेंटी का इस पर ये फोम लगा के तब इस पर ये कपड़ा चढ़ाया जाएगा। तो इस तरह इसका जो हाइट है ये 43 सेंटी है। अब ये 43 सेंटी है, उसके बाद ये जो पाया दिख रहा है देखिए इसको ये 1.25 इंची ये 19 mm 19 mm ये दोनों साइड से काट लिए हैं ताकि जब ये फ्रेम बनाया जाएगा तो ये बाहर से इस तरह ये फ्रेम ये चारों तरफ ये फ्रेम बना के इसमें ये डाल लेंगे। इस तरह ये फ्रेम बना के ये जो फ्रेम है इस तरह ये 80x40 सेंटी का इसका ये 40 सेंटी इसका ये चौड़ाई है, 80 सेंटी इसका ये लंबाई है। ये जब फ्रेम बनाएंगे तो इस तरह इसको ये अंदर डाल लेंगे। जब ये फ्रेम बनाएंगे तो जब इस पर कपड़ा ये चढ़ा देंगे और ये जब स्पंज लगा देंगे तो कांटी तो इधर से मारेंगे नहीं तो सब ये दिखेगा, इसलिए इसको स्पंज ये फ्रेम बना के जब ये 1.25 इंची ये चारों पाया में देखिए इस तरह इधर भी और ये चारों पाया में 1.25 इंची काट के तब इसको ये फोम लगा के इसको इस तरह ये दाब देंगे। देखिए जब ऐसे ये दाबेंगे तो ये जो काटे थे 1.25 इंची ये चारों पाया में तो इस तरह आके ये बराबर बैठ जाएगा। उसके बाद ये बराबर बैठने के बाद इस तरह इसमें ये अंदर से इसको पेच मार लेंगे, इधर भी ये चारों तरफ इधर भी पेच मार लेंगे। तब इसको ये जब पेच मारेंगे तो ये पकड़ लेगा फ्रेम को, तो इधर से हमको ये कपड़ा ख़राब नहीं होगा और काम भी फिनिशिंग होगा। इसलिए इसको ये फ्रेम बना के सबसे पहले इसको ये डाल लेंगे। आइए फ्रेम निकाल लेते हैं, इस तरह इसको अब ये निकाल लेते हैं। निकालने के बाद समझ लेते हैं पाया को बारे में। इस तरह जब ये चारों पाया में 1.25 इंची काट के जब इसका फ्रेम ये काट लेंगे तब तो उसके बाद फिर से ये 2.5 सेंटी बाई ये 18 mm का फिर से कलर काटेंगे ताकि इसमें जो ये फ्रेम है ये बराबर रहे इसके, तभी तो इस पर ये लगेगा ये 1.25 इंची का फ्रेम बनाए हैं, नहीं तो अगर ये ऊपर हो जाएगा तो बराबर बैठेगा नहीं। इसलिए इसको ये 1.25 इंची लेके तब इसको जो पाया रहता है इसको आधा आधा कर लेंगे, तब आधा आधा इसको निकला के इस तरह ही लगा देंगे। अब फ्रेम बनाने के बाद इसको ये स्पंज को ये काट लेंगे, फोम को सुलेशन से इसको ये साथ से चिपका लेंगे। इस तरह से देखिए इसको अच्छे से ये चिपका लेंगे, इसको ये चिपका लेंगे चारों साइड में। इस तरह इसको चिपकाने के बाद जो भी इसमें ये साइड में अगर ये निकला हुआ उसको हम ये चाकू की मदद से इसको ये स्पिनर से इसको इस तरह ये साइड में जो निकला है इसको काट लेंगे। इस तरह इसको ये सीधा काट लेंगे। सीधा काटने के बाद अभी साइड में 10 mm लगाने के बाद इसको अब ये ऊपर 2.5 सेंटी का जो ये काटना है इस तरह ये बराबर काट लेंगे। उसके बाद इसको भी अच्छे से चिपका लेंगे ताकि बाद में ये निकलेगा नहीं। इस तरह ये बराबर इसमें ये लगाएंगे सुलेशन, ये सार जो है ये टेक्स को अच्छे से इसमें लगाएंगे ताकि बाद में निकलेगा नहीं। इस तरह इसको भी इस तरह भी ये चारों तरफ देखिए फोम लगाने के बाद इस पर ये कपड़ा लगाया जाएगा। साइड में ये 12 mm का स्पंज है और ऊपर ये 2.5 सेंटी का स्पंज है। इस तरह ये दोनों इसको चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद इस पर अब कपड़ा चढ़ाएंगे। चलिए कपड़ा चढ़ाते हैं, देखते हैं। अब ये चारों तरफ फोम चिपकाने के बाद ये कपड़ा काट लेंगे। इस तरह देखिए कपड़ा काटने के बाद इस मशीन से इसको स्टेपलर पिंच मार देंगे। इस तरह जब कपड़ा काटेंगे तो थोड़ा ज़्यादा काटेंगे चारों तरफ से ताकि बाद में स्टेपलर ये मारेंगे पिन तो ये कपड़ा छोटा ना पड़े। इस तरह देखिए ये जो पिंच मारेंगे इसको स्टेपलर करेंगे, ये नीचे जो देखिए इस तरह ये पिंच नहीं मारेंगे, नहीं तो जो फ्रेम बनाए हैं उसमें बैठाते समय ये दिक्कत होगा, इसलिए पिंच ऐसे स्टेपलर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ये देखिए इस तरह ये ऊपर से स्टेपलर करेंगे। इस तरह ये पूरा स्टेपलर से मार लेंगे, इस तरह पूरा फिक्स कर देंगे अच्छे से। ये खींच खींच के कॉर्नर भी अच्छे तरीके से ये मिला लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। इस तरह ये कॉर्नर पूरा अच्छे से मिला के तब ये जो
ये जो कपड़ा निकला रहता है इसको ये चाकू की मदद से इसको ये सब काट लिए हैं। इस तरह देखिए काटने के बाद ये फ्रेश हो गया है। अब ये जब ये बैठाएंगे फ्रेम में तो यहाँ पे कोई भी कपड़ा फंसेगा नहीं। इस तरह देखिए एकदम बराबर चारों तरफ से कपड़ा काट लिए हैं इसको। ये पॉलिश कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए ये पॉलिश हुआ है इस तरह। इसको अंदर बाहर ये पूरा ये पॉलिश करने के बाद इस तरह देखिए अच्छे तरीके से इसको बढ़िया से पॉलिश कर लेंगे। उसके बाद अभी जो ये फ्रेम बना के हम ये गद्दी बनाए हैं इस तरह की, अब इसको हम इस तरह इसको ये ऊपर से अब इसको ये लगा देंगे। तब ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये 1.5 इंच दोनों साइड में है। इसको ये कॉर्नर में आकर बैठ जाएगा तो ये इस तरह ये बराबर हो जाएगा दोनों। देखिए चारों साइड में इसी तरह हम ये फ्रेम बनाए थे इस तरह। देखिए चारों साइड इसी तरह है। अब इसको हम ये अंदर बैठा लेते हैं। इस तरह देखिए इसको अच्छे से बैठा लिया है। ये पूरा देखिए नीचे सट गया है। अब इस तरह इसको इसको उल्टा करके तब इसमें हम पेच मार लेते हैं। इस तरह देखिए जब उल्टा करेंगे तो ये जो फ्रेम बनाए थे ये जो है देखिए एक ये प्लाई ये गद्दे का है, एक प्लाई ये जो हम फ्रेम बनाए थे। अब इसमें ये साइड से इसको ये पेच भर लेंगे तब इसको ये पकड़ लेगा तो बाद में निकलेगा नहीं गद्दी। इस तरह ये मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये साइड में पेच भर लेंगे। देखिए इधर भी ये भर लिए हैं। इस तरह ये दोनों साइड पेच भर लेंगे। उसके बाद अभी ये गद्दी निकलेगा नहीं। और इस तरह ये देखिए और इस तरह एक अच्छा हम ये टेबल बना सकते हैं। देखिए ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसी के नीचे इसी के लिए बना है ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग है उसके बाद ये नीचे का ये टेबल बना है इसी के लिए। यहाँ पे ये आराम से अंदर भी इस तरह इसको ये रख देंगे। तो इस तरह देखिए हम एक अच्छा टेबल बना सकते हैं ड्रेसिंग के लिए।